नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को राम राम। दोस्तों महत्वपूर्ण बड़ी खबर है आप लोगों के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने राज्यसभा जो सांसद हैं उस पद से दोस्तों इस्तीफा दे दिया है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी ने। उसके अलावा दोस्तों एक बड़ी खबर यह है कि उन्होंने सर्वप्रथम मुलाकात की जो ओम माथुर है, ओम प्रकाश जो माथुर जी है, उनसे मुलाकात की है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने। आखिरकार ये मतलब क्या है इस बात का दोस्तों कहना मुश्किल है, परंतु उसके थोड़ी देर बाद ही दोस्तों किरोड़ी लाल मीणा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की है। मतलब कुछ ना कुछ तो नया मामला होने वाला है, यानी कि आज राजस्थान में कुछ बड़ी जो है घोषणा होने वाली है ऐसा लग रहा है। यानी कि सूत्र कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। और आप लोगों को बता दें दोस्तों, हम मांग करते हैं, राजस्थान की सारी जनता मांग करती है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। मुख्यमंत्री के लायक दोस्तों डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी हैं। क्यों हैं आप लोग जानते हो दोस्तों, सरल सादगी जिंदगी और सबसे ज्यादा दोस्तों एक्टिव रहने वाले, सबसे गद्दावर नेता यानी कि सबसे ताकतवर नेता जिनके बारे में कहा जाता है राजस्थान का एक ही लाल, वो भी किरोड़ी लाल मीणा। दोस्तों राजस्थान का शेर किरोड़ी लाल मीणा। तो दोस्तों आप सोच सकते हो जो बाबा के नाम से फेमस है राजस्थान में, ऐसे एकमात्र व्यक्ति है जो दोस्तों राजस्थान की दोस्तों इस जो अभी मामला चल रहा है बहुत ही खतरनाक, राजस्थान की स्थिति एकदम बिल्कुल बेकार सी हो गई है, इस स्थिति को सुधारने के लिए मात्र एक नेता है, वो है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी। दोस्तों जो राजस्थान की स्थिति के ऊपर कड़ी कड़ी नजर रख सकते हैं, राजस्थान की जनता को अच्छे से चला सकते हैं, और राजस्थान की जनता जिससे प्यार करती है वो है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी। जो चाहे बेरोजगार हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सबके लिए भागे भागे जाते हैं। रात के ना तो 2 बजे देखते हैं, ना रात की 1 बजे, चाहे दिन में बुलाओ, चाहे सर्दी में बुलाओ, चाहे गर्मी में बुलाओ, चाहे बरसात में। दोस्तों मैं बाबा जी के साथ बहुत बार रहा हूं, बरसात पड़ती थी दोस्तों उस समय गाना गाते थे राम राम भगवान के, और बहुत सारे मतलब भजन कीर्तन करते थे, और उनके साथ रहने में बड़ा ही आनंद आता था। दोस्तों मैंने उनके साथ कम से कम कहीं जो है दिन तक दोस्तों धरना प्रदर्शनों में रहा हूं, और मैंने बाबा की जो है बहुत सारी ऐसी छवि देखी है दोस्तों जिसके लायक दोस्तों किरोड़ी लाल मीणा है कि एक ही मुख्यमंत्री होना चाहिए राजस्थान का, वो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी। दोस्तों अभी जो है सूत्र बता रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री होगा राजस्थान में और 2 उपमुख्यमंत्री होगा, ऐसी खबरें लगातार जो है मार्केट में चल रही है, और उसमें नाम डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी का भी चल रहा है कि जो है एक जो है आदिवासी मुख्यमंत्री बनता है तो 2 ऐसे प्रकार से उप मुख्यमंत्री बनेंगे इस धर्म से, इस जाति से। तो ऐसा मतलब मामला चल रहा है लगातार, अभी हाल ही की ये बड़ी खबरें हैं। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो है मुख्यमंत्री पद भी ना मिला तो बहुत बड़ा पद जो है किरोड़ी लाल मीणा जी को मिलने वाला है। अब बहुत बड़ा पद तो एक ही होता है, होम मिनिस्टर का यानी कि गृह मंत्री का। तो दोस्तों अब क्या दोस्तों राजस्थान के डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी को गृह मंत्री का पद मिलेगा, या फिर दोस्तों कौन सा ऐसा बड़ा पद मिलने वाला है, या फिर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर तो हम सीधा सीधा कह नहीं सकते, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी कहते हैं कि मैं भी जो है प्रधानमंत्री जी के दिमाग को नहीं पढ़ पाता हूं, अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है कि डॉक्टर जो है किरोड़ी लाल मीणा जी इस प्रकार से कह रहे हैं। तो दोस्तों मेरी तो क्या ही समझ में आएगा कि जो है प्रधानमंत्री जी के दिमाग में क्या चल रहा है, परंतु हमारे तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है, नम्र निवेदन है राजस्थान की जनता की तरफ से कि हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो कृपया करके आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि जो है हमारे प्यारे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी को आप मुख्यमंत्री के पद से सुशोभित करें, हम आपके हमेशा हमेशा के लिए कर्जदार रहेंगे राजस्थान की जनता। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी को ही मुख्यमंत्री का पद दिया जाए। धन्यवाद दोस्तों, कोई और बड़ी अपडेट होगी तो मैं आपको सबसे पहले जानकारी बताऊंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।